हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ की एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की उनके फीलिंग्स चेक करेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं है। अगर आपसे जितना भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी क्या है, आपको लेके फीलिंग क्या है राइट नाउ की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में इनको लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, वी हैव टेम्परेंस एंड द थ्री ऑफ वैंड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आता है सेवन ऑफ पेंटिकल। इन कार्ड्स को मैं आपके लिए क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड को क्लेरिफाई करें, बताएं क्या चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या कुछ छुपा रखा है उन्होंने, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, वी हैव द आउटसाइडर, we have creativity, we have playfulness, transformation and reverse thunderbolt. okay, bottom से आता है schizophrenia। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ आपको, आई थिंक सब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे अब विजिबल होंगे राइट। सबसे पहले व्यूअर्स मुझे यहाँ पे राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। राशि आपके लिए मेष राशि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर कर्क राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे है व्यूअर्स हमारे पास, ठीक है। वृश्चिक राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है, ठीक है। मेष, सिंह, धनु राशि, तो राशि व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी सारी हैं अगर हम देखें तो। अब बात करते हैं आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स की राइट नाउ की, ठीक है। आज सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपके पार्टनर को आपसे आपको मिस करते हुए देखते हुए नज़र आ रही हूँ। जैसे कि एक इंसान अपने को पार्टनर को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है, उसकी कमी को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जैसे कि ढूंढ रहा है कि यार वो कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स की राइट ना। आपके जो पर्सन है, बेशक इन्होंने कभी आपको ये फील ना कराया हो कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है ना, मतलब इनकी लाइफ में आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, आपके लिए ये क्या फील करते हैं, आपको लेके मे बी इस पर्सन ने गुस्सा ज़्यादा दिखाया होगा लेकिन प्यार नहीं दिखाया होगा। समवेयर व्यूअर्स ये पर्सन मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन ने आपके होने का मतलब भी नहीं समझा, ठीक है, कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप इनके लिए क्या क्या करते हो, आप इनकी ज़िंदगी को कैसे संवारते हो, कैसे खुशनुमा मनाते हो, कैसे आपके आने से इनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, क्यों ये इतना ज़्यादा अपने आप को लाइट फील करने लगे। जबकि इस पर्सन को व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना राइट ना, बहुत ज़्यादा बर्डन में नज़र आ रहे हैं। बर्डन क्यों, क्योंकि व्यूअर्स अभी आप इस पर्सन के पास में नहीं हो, ठीक है। आपके ना होने का एहसास इस पर्सन को राइट ना हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स जैसे इस पर्सन को एहसास होने लगा आपके पर्सन को कि यार उस पर्सन ने जब मेरी लाइफ में कदम रखा तो मेरी लाइफ कितनी खुशनुमा हो गई। हम साथ में रहते थे, मे बी हो सकता आप लोग लिव इन में रहते हो या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो, मे बी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता तो नज़र आ ही रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। वो रिश्ता दिखाता है कि एक पर्सन जो अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से या फिर बहुत ही नॉर्मल तरीके से जी रहा था, ये जी रही थी, उसके आने के बाद से आपकी उस पर्सन की लाइफ, आपके आने के बाद से आपके पर्सन की लाइफ कितनी ज़्यादा बदल जाती है। आप उसको सजा देते हो, उस पर्सन की लाइफ को जैसे कि खुशनुमा बना देते हो, फूलों की महक जैसे होती है ना, कि एक सिंपल सी लाइफ थी इस पर्सन की लेकिन आपके आने से वो बेहतरीन हो गई। और व्यूअर्स आपके पर्सन उस वक्त उन चीज़ों को नहीं देख पाए। आज व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देखूँ ना तो आज आपके पर्सन की अगर आपको स्थिति में बता दूँ तो आपको भी देख के बड़ा अफसोस सा होगा इस पर्सन को कि काश अगर ये पर्सन पहले मेरी वैल्यू कर लेते तो आज इनकी लाइफ ऐसी नहीं होती। आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन के वो चेहरे पर देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ऊपर से तो बाहरी हंसी दिखा रहे, जैसे चेहरे पर हंसी है पर अंदर एक तूफान मचा हुआ है। तूफान यहाँ पर व्यूअर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ ये पर्सन लाइफ तो जी रहे हैं, मतलब एक झूठी हंसी हंस रहे हैं, एक झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर जाके, जहाँ पर ये मतलब कि जैसे किसी और को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ,
लेकिन अंदर से इंसान क्या, अंदर से तो इंसान टूटा बैठा है। डेथ की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है इस पर्सन की लाइफ में। अब आके इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये कोई ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। आपसे दूर जाने का जो इनका कहीं ना कहीं निर्णय रहा है, आपको छोड़ देने का निर्णय रहा है, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने का अगर निर्णय रहा है, तो वो निर्णय कितना ज़्यादा गलत हो गया। आज आपके पर्सन को इस बात पे बहुत पछतावा हो रहा है, झूठी हंसी हंस रहे हैं, दूसरों के सामने मैनिपुलेट होकर दिखा रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, जो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आपके पर्सन का आपको लेके एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आ गए, जहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी खुशी कोशिश है व्यूअर्स, ये इनकी ख्वाहिश है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है, कि काश एक बार फिर से ये दरवाज़ा ओपन हो जाए, काश एक बार फिर से वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, काश एक बार फिर से जो वक्त का पहिया है वो बदल जाए, वो फिर से रिवर्स हो जाए, ठीक है। काश वो इंसान के साथ में मेरी ज़िंदगी फिर से रीस्टार्ट हो जाए, बेसिक से रीस्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर मैं देखूं रिवर्स, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के बाद में एम्परर की एनर्जी आती है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को मे भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया हो, ठीक है। पहले ये पर्सन रिवर्स मतलब इतने ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब नज़र आ रहा है जैसे जैसे इस पर्सन की लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक वक्त ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में तूफ़ान आ गया है। तूफ़ान व्यूअर्स यहाँ पे क्या आया, तूफ़ान आया इस पर्सन की रियलिटी के अंदर, इस पर्सन की फीलिंग्स के अंदर। जैसे इस पर्सन को रियलाइजेशन करवा दिया गया, एक टावर ऐसा आता है जो इस पर्सन को रियलाइजेशन कराता है कि तुम कितने ज़्यादा गलत रहे हो, तुम्हारी ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप कितना ख़राब हो गया, तुम्हारे डिसीजन सही ना लेने की वजह से। समटाइम आपके पर्सन को यही लगा कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं वही सही है, इनकी जो सोच है वही सही है, ये जो करते हैं वही सही है, ठीक है, ये जिस तरह से इस कनेक्शन को देखते हैं वही सही है। लेकिन आज मैं इस पर्सन के व्यूअर्स नज़रिए में यहाँ पे बदलाव देख पा रही हूँ, क्योंकि नज़रिया व्यूअर्स चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके राइट नाउ का प्रोस्पेक्टिव नज़र आता है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको लुकआउट कर रहे हैं, या इनको आप ढूंढने से भी नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये एम्प्रेस की एनर्जी है, और यहाँ पे एम्परर है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग एक डिवाइन कपल हो सकते हैं। एक इस रिश्ते में भी अगर मैं देखूँ तो एक कपल ही हैं आप लोग, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी चीज़ बैलेंस नहीं है, क्योंकि विदाउट यू ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर ही नहीं सकते, मैनेज कर ही नहीं सकते, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आपका पार्टनर, लेकिन दे नीड सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि आपने इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभाल रखा था, आपने इनकी बैकअप सपोर्ट अपने आप को बना रखा था, आप इनकी ज़िंदगी के वो सारे पहलुओं को ईज़िली हैंडल कर लेते थे जो ये पर्सन खुद नहीं कर पाते। इनको समवेयर ऐसे लगता था कि जैसे सारा का सारा ये खुद करते हैं, ज़िंदगी ये खुद चलाते हैं, सब कुछ ये खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, अर्निंग भी ये खुद करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। पर समवेयर इस पर्सन को ये नहीं पता था कि लाइफ का एक अनदर पहिया भी है जो कहीं ना कहीं आप ही के भरोसे चल रहा है। इस पर्सन उन चीज़ों की कदर नहीं की। आज व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर मुझे ज़िंदगी को इस तरह से जीने पे मजबूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके अगर मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करूँ, दे आर वेटिंग फॉर यू, कहीं ना कहीं आज आपके ख्यालों में भी हैं, आपकी पुरानी ये मेमोरीज़ में मुझे ये पर्सन स्टक नज़र आ रहे हैं, जैसे उनको निहार रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि लाइफ कैसी थी आपके साथ में, और अब कैसी लाइफ हो गई। आप झूठी हंसी हंस रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं लाइफ को, मतलब एक झूठी तरीके से, जैसे हर चीज़ एक इल्यूज़न में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार सब कुछ ऑल राइट है, मैं तेरे बिना मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन असल में तो व्यूअर्स यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटा है यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया, इनको एहसास करा दिया कि इनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, आज आपके पर्सन आपके साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से एक ज़िंदगी चाहते हैं। ये एनर्जी गाइस मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। आप इस बात पर चाहे बिलीव करो या नहीं करो, लेकिन एक बात तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आपके पर्सन व्यूअर्स अभी भी यहाँ पर जैसे कि सिंजोफीनिया की स्थिति में, जहाँ पर इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के बारे में ही है, ठीक है, कि कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज आपके पर्सन व्यूअर्स आपको खोके पछता बहुत रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत ही यहाँ पर मुझे कोई टफ टाइम भी नज़र आ रहा है। टफ टाइम आया तभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू यहाँ पे समझ में आती है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी जो दिखा रही है, इस पर्सन को एक झटका लगा है,
और जब झटका लगा तब इस पर्सन को समझ में आया कि आप उनके लिए थे क्या। ठीक है, तो ये भी रिवर्स है, जैसे कि आपके पर्सन कभी अपनी गलती मानते ही नहीं थे, लेकिन आज आपके पर्सन अपनी गलती को मान रहे हैं, इनको वो चीज़ें भी दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये पर्सन मुझे यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहते हैं, मे बी कहीं ये दूर हों लेकिन फिर भी ये आना चाहते हैं, लेकिन एक ईगो फैक्टर तो अभी भी यहाँ पे स्टिल है, जैसे कि ईगो फैक्टर व्यूवर्स यहाँ पे वो काम कर रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को ईगो फैक्टर वैसा वाला नहीं है, ईगो फैक्टर दूसरा वाला है। ईगो फैक्टर ये कि जैसे इनको ये लग रहा है कि यार मैं जो हमारे रिश्ते में ख़राब हुआ मैं उसको संभाल सकता था, मैं उसको हैंडल कर सकता था, जैसे कि अहम वाली भावना कि हाँ मैं कर सकता था, ये चीज़ें मुझसे हो सकती थी बट मैंने ये इग्नोर कर दिया। ठीक है, एक पावर वाली भावना, ठीक है, आप समझ सकते हैं ना कि हाँ मेरे हाथ में ये पावर थी लेकिन मैंने उस पावर का यूज़ नहीं किया, मैं उस समय सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी लेकिन मैंने उस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया बट उसको और ज़्यादा ख़राब होने दिया। क्यों? इस गिल्ट में आपके पर्सन मुझे राइट नाउ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये कर सकते थे रिलेशनशिप को अच्छा, अगर ये आपकी बात सुन लेते, आपकी बातों को अगर ये हैंडल कर लेते, उनको अमल में लेके आ जाते तो रिलेशनशिप अच्छा हो सकता था, बट इन्होंने क्यों नहीं सुना, आज इस बात का इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, इस बात को ही आपके पर्सन मुझे यहाँ पे मतलब देखते हुए चैनल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या है मैसेज यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए इन द लास्ट, ये क्या कहना चाहते हैं इनसे। नाइट ऑफ पेंटिकल, मून, नाइट ऑफ वेंड्स, आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे साथ में बिताया हुआ वक्त बहुत याद आ रहा है, तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ, इन्जॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, अट्रैक्टेड भी हूँ, ये एनर्जी गाइज मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, खूब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ख्यालों में खो जाना, ये एनर्जी देखो ना आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि आपके आपके साथ में बिताए हुए वक्त में ये पर्सन इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उसमें ही ये डूब गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गई, यार कितना अबंडेंट रिश्ता था हमारा, कितनी प्रोस्पैरिटी थी, कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ में, लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, आप भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे, ये भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मे बी किड्स वगैरह भी हो सकते हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो, या फिर आप दोनों के हों, जैसे भी हो, लेकिन नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हर चीज़ कितनी अच्छी थी यार, और लाइफ में मतलब अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, तो ये आपको यही कह रहे हैं यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं लग रही है, क्योंकि ज़िंदगी में तुम नहीं हो साथ में। ठीक है, इस ज़िंदगी में अकेले चलना पड़ रहा है, अगर आज ये पैसा भी सुकून नहीं दे रहा, जब तुम थे ना तो हर चीज़ मुझे भर भर के मिल रही थी, हर चीज़ अबंडेंस में मिल रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें भी खुश नहीं दे पा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ढोना भी इस पर्सन को समवेयर ऐसा लग रहा है जैसे बर्डन बन गया है लाइफ का, तो ये आपके साथ में वही ज़िंदगी फिर से रीस्टार्ट चाहते हैं, ये इनके मुझे मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बॉटम से देख रहे हो हर्मिट की एनर्जी भी, जो दिखा रही है कि इस पर्सन को यही सब कुछ अब मिल नहीं रहा, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की लास्ट मैसेज आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें और लास्ट में हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, सो टेक केयर।